नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। लगातार हम आपको अपडेट दिखा रहे हैं किस तरीके से गिरते सोयाबीन दामों को लेकर किसान मायूस है, आक्रोशित है और अपनी फसल को उखाड़ रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे सुबह से लगातार, जिस तरीके से हमारी टीम इस वक्त भी हमारे जो किसान है जो फसल उखाड़ रहे हैं उनके खेत में मौजूद है और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबसे पहले तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो किसानों का परिवार है वो खेत में मौजूद है। 2 बीघा के करीब जो ये खेत में फसल उगाई गई थी वहां पर फसल सोयाबीन की उखाड़ रहा है वो परिवार। तस्वीरें देख पा रहे होंगे, महिलाएं भी है, पुरुष भी है और किस तरीके से दिन रात एक करके जब किसान अपनी फसल उगाता है लेकिन जब जिस तरीके से दाम गिरते हैं तो मायूस हो जाता है, खून के आंसू रोने को मजबूर होता है। जिस तरीके से फसल के दाम गिरे सोयाबीन के और जिस तरीके से किसान मांग कर रहे हैं कि समर्थन मूल्य तय किया जाए किसानों का, ताकि जो बाड़ा है और जो किसान फसल उगाता है उसका दाम आखिर किसानों को मिल सके। ऐसे हम बात करें तो किसानों से जब हमारे चीफ रिपोर्टर अब्दुल ईरानी ने बात की तो हम आपको सुनाते हैं किस तरीके से किसानों का दर्द छलका है, किसान किस तरीके से अपनी फसल आंसू के साथ साथ उखाड़ रहा है। इस वक्त की हम तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं किस तरीके से हमारे चीफ रिपोर्टर अब्दुल ईरानी को किसानों ने क्या कहा। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। इस समय मैं मौजूद हूं केलूखेड़ा गांव में। सोयाबीन के खेत पर करीब 2 बीघा खेत में सोयाबीन बो रखी है और यहां पर किसान इसे उखाड़ रहे हैं। क्या वजह है सोयाबीन की फसल उखाड़ी जा रही, बात करते हैं खेत मालिक से। जी हाँ सर, ये सोयाबीन की फसल हमने लगाई थी और अब इसके बाजार इतने कम हो चुके हैं कि अभी हमें इसमें और भी खर्चे लगाना बाकी है। जैसे एक स्प्रे और अभी हम करते हैं तो इसमें दवाई का होगा और उसके बाद इसकी कटाई करवानी है, अभी निकलवाना है, तो इसमें बहुत सारा खर्चा हमको आने वाला है। तो हम देख रहे हैं कि वो खर्चा हमें पर्याप्त नहीं हो पाएगा इस फसल से, तो हम सोच रहे हैं कि इसको उखाड़ के यहाँ पर कुछ नई फसल लगाए। तो सोयाबीन के बाजार इतने कम है कि परेशान है किसान इन बाजारों से, इसलिए हम इसको उखाड़ रहे हैं। सुरेश जी, कितना मूल्य आ रहा है अभी सोयाबीन का? अभी तकरीबन 3,350 रुपए बिक रहा है एवरेज माल तो। हाँ, और कितनी लागत ज्यादा आ रही है? लागत ज्यादा हो जाती है ना सर, यहाँ पे लगभग 10,000 के समथिंग लागत हो जाती है यहाँ पे। कितने बीघे में ये आपने सोयाबीन बो रखी है? ये 2 बीघे में बो रखी है सर। हाँ, तो लागत के अलावा मजदूर लगते होंगे आप लोगों की, कितने टाइम की मेहनत इसमें है? इसमें लगभग हमारी 4 महीने की मेहनत लगती है सर और बहुत सारी लागत स्टार्टिंग से लगकर लास्ट तक लगती है। परिवार और मजदूर भी लगते होंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर, लगता है, बिल्कुल लगते हैं। आप बताइए किस तरह से ये मजबूरी हो गई है कि फसलों को उखाड़ना पड़ रहा है, सोयाबीन जिसे पीला सोना कहा जाता है। सर सबसे बड़ी लागत इतनी हो गई है कि किसान उसको अप्रूव नहीं कर पा रहा है। अब एक ही किसान का एवरेज दिन का देखे तो 2 रुपए रोज में वो मजदूरी कर रहा है, फिर भी कुछ नहीं मिल रहा उसको। 2 रुपए रोज मात्र मजदूरी कर रहा है जी सर। कितनी लागत आ जाती होगी इसमें सर? मतलब 1 बीघे का खर्चा बोने से काटने तक का 8,000 से 9,000 का है। कितना नुकसान हो जाएगा इतनी बड़ी फसल आप लोग उखाड़ेंगे तो? सर नुकसान तो होगा, अब क्या करें। पहले नुकसान था, इल्ली का प्रकोप है, ये है वो है, अब 4 स्प्रे तो हो चुके हैं और 2 एक और होगा। तो 1 स्प्रे का हमारा खर्चा 2,500 का आता है। 1 स्प्रे का 2,500 खर्चा, कितने लोग लगते होंगे? 5 मतलब सर टंकी के समेत 1,500 से 2,000 का खर्चा आता है स्प्रे करने का और स्प्रे का पैसा अलग है। कितने व्यक्ति लगते होंगे? कितने इंसान? 5 इंसान लगते हैं उसमें। 5 इंसान लगते होंगे। हाथ से ये उखाड़ने में भी मेहनत लग रही होगी, किस तरह से? उखाड़ने में तो मेहनत लग रही है जैसे कि, लेकिन हमको क्या है किसानों को भाव नहीं मिल रहा है, भाव के कारण हम ये इसको नष्ट कर रहे हैं। ये सोयाबीन का जो मूल्य कितने टाइम से इतना ही मिल रहा है और कितना मिलना चाहिए आप लोगों के हिसाब से? करीबन 6,000 तो चलना ही चाहिए इसका भाव। हाँ, आने वाले समय में जो भी आए। तो अभी कितने टाइम से 3,000 साढ़े 3,000 के आसपास ही चल इसको रहा है? तो देखते हैं तो साल भर हो गया हमको, एक साल भर हो गया पूरा। हाँ, ये चल रहा है 3-4 मध्य प्रदेश को सोयाबीन की फसल का खिताब हासिल है, पीला सोना कहा जाता है इसको। सोना सो कहा जाता है लेकिन सोना मिल कर रहा है हमको। सोने के भाव नहीं मिल रहे ना, कोड़ियों के भाव। कोड़ियों के भाव मिल रहे हैं जी जी जी। आप बताइए, आप बताइए इस बारे में क्या कहेंगे? हाँ सर बोलिए। किस तरह से क्यों उखाड़नी पड़ रही है फसल के हमें वाजिब दाम नहीं मिल रहे हैं? खर्चा 10,000 से 15,000 तक भी आ जाता, बैठ जाता है और फसल 2 बोरी निकल के 2 बोरी में हमें 3,000 6,000 ही मिल रहे हैं। 6,000 मिल रहा है, हम 10 लगा रहे तो फिर हम क्या मिला हम जी? फिर तो 4,000 का हम घर से लगाए, मतलब
उल्टा 4000 घर से लगाना, जेब से लगाना पड़ रहा है हमें। कितने किसान गांव में होंगे जिन्होंने फसलें ये सोयाबीन की और उखाड़ रहे हैं, जैसे 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 लग रहा है उनको, देख रहे हैं उनके हिसाब से सभी लोग उखाड़ रहे हैं, मतलब उनके हिसाब से होंगे जिसके जैसे जमला जो करे। कितने किसान बो रहे होंगे सोयाबीन की फसल गाँव में? लगभग 100% ही बो रहे हैं सोयाबीन तो, और क्या फसल लगा रहे हैं। अभी क्या होता है मैं बताऊं, मक्का वगैरह तो मक्का बो दो, रोजड़े वगैरह नीलगाय वगैरह खा जाती उनको, और जारी खर्चा लगाओ तो एक बीघे में मतलब जारी लगाओ तो खर्चा भी ज्यादा बैठ रहा है। किसान अगर ये फसल का पैसा ही नहीं मिल रहा तो वो आगे प्रोसेस कैसे करेगा जी? मालवा में ज्यादातर किसान जो है अगर देखे तो सोयाबीन बोते हैं और इस तरह का फसलों का भाव मिल रहा है। सरकार से क्या अपेक्षा? सरकार से यही अपेक्षा है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से कि हमें मतलब कि फसल का कम से कम 6000 का समर्थन मूल्य तो होना चाहिए, मतलब फसल का। मोदी जी से हमारा ये आह्वान है मतलब की 6000 कर दे खजानों की हालत सुधर जाए इससे। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा विनोद से कि विनोद बताओ किस तरह से फसलों को उखाड़ा जा रहा है। ये देखिए 2 बीघा खेत जो है जिसमें सोयाबीन बो रखी है और किसानों की स्थिति ये है कि वो लोगों को आधा मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। लोग किसान जो है ये फसलें उखाड़ रहे हैं जिस तरह से देख सकते हैं आप लोग, फसल के फली भी हुए आए हुए सब है हाँ। लेकिन भाव नहीं है तो क्या काम करिए फसल की? ये बता रहे हैं किसान, देखिए विनोद जी जरा कैमरा इधर कीजिए, ये देखिए जो फसलों में फली भी आई हुई है लेकिन इसके बावजूद जो भाव नहीं मिल रहे हैं जिसकी वजह से ये उखाड़ भी पड़ रही है। देखिए किसान बता रहे हैं किस तरह होते हुए भी 2 बोरी बिके की बैठती है फसल, उसका भी 3500 के 7000 बन रहा, 3000 का शुद्ध नुकसान है किसान को जी। जी तो फिर कैसे कह रहे आप क्या कहेंगे? मैं यू कहूंगा 2019 में सोयाबीन का भाव 10000 पार हो गया था और अब देख लो अब 6 साल हो गए भाव ही नहीं बढ़ा है और घट गया, माइनस हो गया 3500 रुपए हो गया। 5 साल बाद उल्टा माइनस? हाँ माइनस हो रहा है और उल्टा माइनस हो गया, 1/3 हो गया भाव, तिहाई भाव हो गया। हाँ किसानों को नहीं मिलना चाहिए भाव, क्योंकि किसान कभी बढ़ जाए या फिर पनप जाए तो जी, इसलिए वो तो अभी इस साल भी देख लो और डाउन होगा। अभी सीजन जो आएगी जो डाउन हो रहा है तो जो सीजन आएगी जो डाउन हो रहा है भाव भाव और डाउन हो रहा है तो किसानों को भाव नहीं मिल रहा है। इतनी धान की लगल कर रहे हैं सब कर रहे हैं ये करा रहे हैं तो भी भाव नहीं मिल रहा है किसान को। सरकार तो कह रही है कि किसानों को जो है उनकी इनकम दुगना कर देंगे, आय दुगना कर देंगे, कौन कुछ कर देगा दुगना? दुगना नहीं कर सकती ना, दुगना नहीं होगी ना, चली गई अभी और माइनस चली गई जी, अभी तो और माइनस चली गई। दुगना अगर 3000 अगर दुगना होती तो 10 के 20 हो जाते सोयाबीन के भाव, अभी तो और माइनस गई है 3.5 ही रह गई वो जी, और 20 की जो 4000 हो गई और क्या है। अच्छा एक बात बताओ, सोयाबीन की फसल अगर किसान उखाड़ देंगे नहीं बोएंगे तो क्या हालात होंगे? क्या ज्यादा विशेष नहीं है, वो तो रकबा शब से ज्यादा बोया हुआ है, थोड़ा बहुत उखाड़ भी लेंगे तो क्या होगा, वो तो अभी सरकार के ऊपर है कि वो भाव बढ़ाए या नहीं बढ़ाए। किस तरह का असर पड़ सकता है? असर अभी जैसे भी बढ़े उसे मतलब असर तो लगेगा थोड़ा बहुत, ये तो असर अब जैसे भी पड़े हो उसे मतलब असर तो लगेगा थोड़ा बहुत, ये तो फसल में कीट वगैरह भी ज्यादा लग रही इस साल, कहीं तो फांकल रह गई फरी बिल्कुल खेत के साफ हो गए, और ये उखाड़ने की और पद्धति होगी तो पैदावार में फर्क पड़ेगा मतलब। तो सुना आपने किसानों का दर्द किस तरह का है कि जहां पर सरकार इनकम को दुगनी करने की बात कर रही है वहां पर किसान जो है अपनी सोयाबीन की फसल उखाड़ रहे। इनका कहना है कि जो भाव आज से 5 साल पहले 10000 रुपए आ रहा था अभी मात्र 3-3.5 हजार हद से 4000 रुपए पर पहुंच जा रहा है और किसानों को फसल उखाड़ना पड़ रही है। जिस मध्य प्रदेश को सोयाबीन का लिए खिताब हासिल था जहां पे पीला सोना उगला सोयाबीन को बताया जा रहा था कि सोयाबीन पीला सोना है, वहां पर किसान कितना मजबूर हो गया है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी विनोद गुजर के साथ अब्दुल अली रानी।